मैम लुक हियर, समझ जाइए। सिंघम जो आज अंदर देख रहे हैं लोग, काफी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं, पूरा थिएटर फुल है, शायद आपको जाने का जगह ना मिला है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो मेरी खुशी की बात है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लेडी सिंघम के लिए, क्योंकि 3-4 साल के बाद मेरी एक्शन फिल्म आ रही है। छोटू भूमि पर पसंद करते हैं, और 3-4 साल से मैंने कोई एक्शन फिल्म की नहीं थी, कह सकते हैं कि एक्शन में वापस अगेन कम बैक कर रही हूँ। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। पिक्चर देखे मैम, कहीं ना कहीं हिंदी सिंघम से भारी पड़ रही लेडी सिंघम। ओह माय गॉड, रियली थैंक यू सो मच। वैसे उनसे तो रोहित शेट्टी की फिल्म से तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की है कि हमारी ऑडियंस तक हम अपनी बात रख सकें इस फिल्म के जरिए। लेडी सिंघम मीन्स लेडी पावर। देखिए मैसेज ये है कि जो आप लोग फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आजकल जो हमारे इंडिया में चल रहा है लड़कियों को लेकर, रेप हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, उसके ऊपर वो एक टॉपिक भी इस फिल्म में दिखाई देगा कि किस तरह से रेपियस्ट खुलेआम घूम रहे हैं, बिंदास हो गए हैं क्योंकि कानून कुछ कर नहीं रहा है, और लेडी सिंघम होने के नाते मैं किस तरह से न्याय दिलाती हूँ इस फिल्म में नारियों को, वो देखने लायक होगा। तो दिलीप जी बहुत एक्शन फिल्में बनाते हैं, तो आपको कैसा लगा? दिलीप जी बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत सीनियर डायरेक्टर है, और मुझे बहुत, मेरी उनके साथ एक तीसरी फिल्म है, इसके पहले हम लोगों ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म की थी दिलीप जी और मैंने साथ में, लेकिन एक्शन फिल्म पहली बार किया, और उनका अलग तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो बहुत ही एक्साइटेड कर देते हैं एक्टर को स्टोरी सुना के। आई होप कि पब्लिक भी एक्साइटेड होगी। अभी आप फिल्म देखने जा रही हैं और आपके कलाकार भी हैं साथ में, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? शक्ति कपूर जी बहुत सीनियर है मुझसे, और इतने एनर्जेटिक एक्टर हैं, इतने एनर्जेटिक इंसान हैं कि यू नो मुर्दा भी ना मुर्दे में भी जान डाल देंगे, वो इतनी एनर्जी होती है उनके अंदर। बहुत अच्छा लगा उनके साथ, काफ़ी कुछ सीखा, और वो इतना ज़्यादा मोटिव करते थे मुझे, मोटिवेशन तो माइंड उनका मुझको लेके बहुत बहुत ही अच्छा लगा। मैम बिग बॉस में खेसारी इस बार एंट्री किए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? खेसारी जी तो बाहर भी आ गए ना। हाँ मैं फॉलो कर रही हूँ, अभी मैं गई भी थी उनको सी ऑफ करने खेसारी जी को। मेरा फेवरेट आसिम है। तो आसिम के लिए आपने वोट किया? बिल्कुल, मैं जब भी वो नॉमिनेट होता है मैं वोट करती हूँ। रश्मि भी मेरी दोस्त है, आरती भी मेरी दोस्त है, लेकिन अगर इन तीनों में मैं देखूँ तो आसिम ज़्यादा फेवरेट है मेरा। सलमान खान से आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा, आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने उनके लिए गाना गाया था और उन्होंने मुझे लड्डू भी खिलाए। मैंने कहा कि नहीं ज़्यादा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, उन्होंने कहा डाइट वाला है खा लो। तो दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं मैम, थोड़ी स्टार्स के मर्यादा दाव के लगे, कितना सपोर्ट रहेगा आपके? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि भोजपुरी स्टार्स तो बाद में है, पहले हम देश के नागरिक हैं, तो नागरिक अपना नेता वही चुने जिन पर उनको भरोसा हो, और जहाँ पर पूरे देश का सवाल है, तो एज अ नागरिक पहले वो अपने लिए सही नेता चुने, वो चाहे भोजपुरी से हो या कोई, लेकिन बस वो अपना चुनाव सही करे, मैं इतना कहना चाहूँगा। तो काफ़ी अंतर दिख रहा है आपने, तो कैसे इतना अपना वजन कम किया, कितना मेहनत किया? हाँ मैं अभी तो चलो थोड़ी सी बीमार हूँ, इस वजह से मुझे लगता है मैं इससे और कम किया हुआ था, मैंने 2-3 किलो मुझे लगता है ऊपर नीचे फिर हो गए, लेकिन मैंने बहुत डेडिकेशनली मेहनत की है अपना वज़न कम करने के लिए, और मैं आगे भी कर रही हूँ। मेरा टारगेट है कि 0 साइज़ पे पहुँचना, और मुझे लगता है कि 2 महीने में शायद मैं पहुँच जाऊँगी। मैंने शुरू किया तो मुझे लगा कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और लोग इससे मोटिवेट होते हैं, और मैं खुद भी बहुत मोटिवेट हुई हूँ, इसीलिए शायद लुक चेंज लग रहा हो, बट मैं इतना ही कहना चाहूँगी अभी तो बस शुरुआत हुई है। किसी फिल्म के लिए शक्ति कपूर सर के साथ काम करके कैसे लगा? बताया ना उनको, बताया ना भोजपुरी का एक सिंगर अभी डिंडीगल वॉक से जुड़े तूफानी लाल यादव, अभी वो उनका लाइव में आए थे कि वो डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर रहे हैं, उनकी यादाश्त गायब हो गई है पिछले 15 दिन से। सॉरी मैं नहीं जानती हूँ उनको। भोजपुरी काफ़ी स्टार उनकी मदद के लिए आगे आए हैं, क्या रानी जी भी मदद करेंगे? अगर कोई अप्रोच करेगा तो डेफिनेटली मैं मदद करना। सोशल मीडिया पे एज द अकाउंट नंबर और सब कोई साथ में पोस्ट कर रहा है कि मैंने इतने पैसे डाले, मैंने इतने पैसे निकाले। देखिए मेरा क्या है ना कि अगर मैं मदद करूँगी पोस्ट वोस्ट नहीं करूँगी, उनसे कहिए कि कोई हमें अप्रोच जरूर करे। डायरेक्ट उनके अकाउंट में जा रहा है। अच्छा
ठीक है बिल्कुल थैंक यू थैंक यू वैसे वो बचकान भी नहीं लगना चाहिए कि भाई ये कैसे पाठक जी माइक नीचे कीजिए। मेरी जिंदगी में दो लेडी सिंगर है, एक मेरी घर वाली है और एक फिल्म की हीरोइन है, दोनों लेडी सिंगर। और अच्छा है कि आज पूरे भारतवर्ष में लोग चाहते हैं कि औरतें आगे बढ़ें, लड़कियां आगे बढ़ें, बेटियां आगे बढ़ें, लड़ती हैं। तो परिवार वालों को भी बोलता हूँ कि मेरे घर में मेरी बीवी लेडी सिंगम है, मेरी बेटी लेडी सिंगम है, क्योंकि ये भी सच्चाई के लिए लड़ती हैं। तो ये फिल्म देखने के बाद हर लड़की, हर दूसरी लड़की बोलेगी कि मेरे को लेडी सिंगम बनना है। लेडी सिंगम का मतलब ये है कि सच्चाई के लिए लड़ना। और आज हम देखना चाहते हैं कि औरतों को आगे बढ़ रही हैं, हम लोग उनको आगे बढ़ा रहे हैं और अच्छा लग रहा है। और आप मेरी इंटरव्यू ले रही है, मेरे को तो आप भी लेडी सिंगम लग रही है। के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी डांसर है, बहुत अच्छी एक्टर है और बड़ी पारिवारिक है। उनकी माता जी अपने हाथों से मुझे आउटडोर में खाना खिलाती थी, तो मैं वो बहुत याद करता हूँ उनको। और आप पिक्चर देखेंगे, बहुत मेरे हिसाब से उनकी ज़िंदगी का बेस्ट काम है। बहुत अच्छा म्यूजिक है। आप पोस्टर देखा अपने कैरेक्टर के बारे में? मेरा तो हमेशा सारी दुनिया जानती है मैं कितना शरीफ हूँ, तो मेरा कैरेक्टर भी बहुत शरीफ होता है। क्या दिखाया आपने शरीफ के लिए? दिखाया उसने, उन्होंने मुझे दिखाया कि जहाँ जहाँ आप गलत जाओगे मैं खड़ी हूँ। तो गलत रास्ते, गलत लोगों को स्टॉप लगाने के लिए रानी मुखर्जी लेडी सिंगर। और आगे आप देखेंगे फिल्म के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ। एक अक्सर देखते हैं कि अच्छाई के वस्त्र पहन के जब इंसान अंदर से काले काम करता है, वो मेरा कैरेक्टर। सर बहुत अच्छा रहा, मेरे को तो ये पक्का है, विश्वास है कि ये पार्ट टू बनेगी। और फिर से मैं भोजपुरी में काम उतना नहीं करता हूँ, क्योंकि दिलीप गुलाटी जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत पुराने बोले तो बहुत ही पुराने हैं, और एक बहुत अच्छा टेक्नीशियन है, बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई। मैं तो इनको कह रहा था जब फिल्म बन रही थी कि इसको हम लोग हिंदी में शूट करते हैं और भोजपुरी में डब कर रहे हैं। इन्होंने बोला नहीं भैया, इस फिल्म को लेट मी कॉन्सेंट्रेट ओनली वन लैंग्वेज। और भोजपुरी की इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी है, भोजपुरी के लोग बहुत अच्छे हैं, बिहार बहुत अच्छा है। और वास्तविकता में मेरे स्टाफ में भी बहुत लोग हैं जो बिहार से आए हैं, बहुत दिल के बेहतरीन हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और मुझे वैसे भी बिहार वालों से बहुत प्यार है, मेरे बहुत मित्र हैं, दो तीन तो नेता बन गए हैं और सक्सेसफुल नेता हैं। तो फिल्म के पीआरओ भी संजय मिश्रा। अरे संजय मिश्रा की शादी में मैं नहीं जा सका, अभी तक अफसोस है। संजय बाबू को तो मुबारक हो सर, वो कमाल के हैंडसम आदमी हो, बहुत दिल के अच्छे हैं। मैंने देखा है कि मीडिया में बहुत लोग हैं, लेकिन संजय बाबू जैसा मीडिया की फॉलोइंग संजय बाबू के पीछे बहुत है। ये जहाँ खड़े हो जाते हैं मीडिया है, मीडिया होता है, मीडिया है, कहाँ संजय बाबू। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। अभी मेरे हिसाब से आप सब लोग फिल्म देख रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को वापस बहुत ऊँचा उठाने मेरा ये आप लोगों से प्राप्त है। आप देख रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक। ये भाई क्या बहुत बढ़िया सर, क्या कहना चाहेंगे? फिल्म बहुत अच्छी बनी है और मैं बहुत बहुत गुजार हूँ शक्ति कपूर जी का, जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया इस फिल्म में बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए। और कुछ ऐसे वक्त भी आया जब मैंने कहा कि ये एज्यूम होता है, तो बोले दिलीप एज्यूम नहीं होता, इसको लॉजिक करो। तो लॉजिक किया मैंने, तो मुझे बहुत मज़ा आया। रानी ने भी बहुत अच्छा काम किया, मेरे प्रोड्यूसर्स हैं सरोगी साहब, हमारे सरला सरोगी जी, राहुल शर्मा जी, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। और इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद ये बॉक्स ऑफिस में कामयाब फिल्म आ रहा है। गुलाटी साहब, शक्ति कपूर जैसे बड़ा चेहरा इस फिल्म में है, जाहिर सी बात है महंगी फिल्म होगी, तो हिंदी में क्यों नहीं इसको आपने बनाया, इसके पीछे क्या रीज़न है? सर अभी क्या था कि जब ये प्रोजेक्ट बना था तो ये सोच के बना था कि ये इसको भोजपुरी में बनाना है, तो हमने सोचा कि अब अगर हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे अपना फोकस,
तो हम अपने उसके रूट से ना हिल जाएं। तो हमने जब फोकस किया था पहले तो सोचा शक्ति जी में मुझे काम, मैंने कहा लेट्स डू इट इन भोजपुरी फर्स्ट, यहाँ पे फोकस है अभी, कॉन्सेंट्रेशन है, तो लेट्स सी अगर ये कामयाब होती है तो फिर बहुत कुछ ऐसा करेंगे अगली फिल्म पर दो लैंग्वेज में बनाएंगे। या वो पक्का है क्योंकि एक सुर इन्होंने पकड़ा हुआ था, उस सुर को थोड़ा से भी इधर उधर करते तो फिल्म पे भी इफेक्ट हो सकता था। बट ये पक्का है कि आजकल बॉम्बे में भी भोजपुरी फिल्में लगती हैं और ये हो सकता है ये ऐसी फिल्म है कि हिंदी वाले भी इसको देखने अवश्य जाएंगे क्योंकि फिल्म का स्टैंडर्ड उतना ऊँचा है, म्यूज़िक भी बड़ा ऐसा है कि हर डिफरेंट भाषा बोलने वाले को, समझने वाले को, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज नहीं होती, एक सुर होता है, एक ताल होता है जो कानों को अच्छा लगता है किसी भी लैंग्वेज में। हम गाने सुनते हैं, जापनीज सुनते हैं, फ्रेंच सुनते हैं, जो अच्छा गाना होता है वो चलता है। नहीं, दूसरा शक्ति जी ने मुझे ऐसा इसमें अलर्ट करके रखा था कि वो 700 फिल्म का तजुर्बा इनका, तो जहाँ कुछ होता था तो मुझे खींच लेते भाई ये नहीं चलेगा, बोला भाई चलता, बोले नहीं चलेगा ये, इसको करो। मैंने ये कोशिश की, मैंने इनको ये बोला थोड़ा सा और ऊपर उठते हैं, हम लोग सर्टेन लाइंस भोजपुरी में फॉलो करते हैं, मैंने कहा लेट्स ब्रेक दोज लाइंस और उससे थोड़ा आगे जाए ताकि भोजपुरी वालों को भी लगे कि हाँ एक खर्चे वाली बड़ी एक्सपेंसिव फिल्म मिली है जो बड़ी इज्जत से बनाई गई है और उनको भी बहुत अच्छा मतलब फील होगा कि उनकी लैंग्वेज में एक बहुत बड़ी फिल्म बनी है। शक्ति सर, जो भोजपुरी के दर्शक हैं जो अपने पलकों पे आपको बिठा के रखते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, मैंने ज़िंदगी के अंदर हर लैंग्वेज में फिल्म की है सर जी। मे बी आई एम द ओनली एक्टर इन दिस वर्ल्ड हुज़ डन ऑल फिल्म्स इन एशिया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, जो भी लैंग्वेज है, नेपाली भी, बांग्लादेशी भी, पर मैंने जो ये तेलुगु, तमिल, दूसरी भाषाएँ हैं इनके लिए डब नहीं किया है। ये पहली फिल्म है जो मेरा बैंड बज गया लेकिन मैंने खुद डब किया, पूरी पिक्चर मेरी आवाज़ में है, पूरी पिक्चर में मैं भोजपुरी बोल रहा हूँ, मतलब मेरा आप अभी तक जब मैं याद करता हूँ तो पसीना निकल जाता है। लेकिन हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर एंड माय प्रोड्यूसर जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, डायरेक्टर साहब ने बहुत मेहनत की कि नहीं शक्ति ये लाइन ऐसी है, इनको भोजपुरी आती है, फिर इनका पूरा यूनिट भी भोजपुरी वाला ही है तो ठेठ भोजपुरी बोली है। अभी चलो अंदर थिएटर में भोजपुरी देखते हैं लेडी सिंगम। और मैं एडमेंट था, मैंने कहा शक्ति जी इसमें थोड़ा सा आप देखिए इसको और कीजिए, और मैं चाहता हूँ कि आप ये डबिंग करें ताकि एक पर्सनल ऑडियंस को एक अटैचमेंट मिले कि जो एक्टर को हम चाहते हैं वो हमारी भाषा बोल रहा है।